नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में, हमारे जीवन में, सब में खुशियां बनी रहे और नारी शक्ति हमेशा उज्जवल रहे। तो ये सुबह का हमारा काम हो गया है शुरू। और गुड्डू के पापा घूम के आ गए थे, और घूम के आने के बाद हर रोज का इनका सुबह का ये रूटीन है कि ये जो छोटे वाला गेट है हमारा, इस साइड धोते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना जो गाय और सांड बहुत गंदा कर देते हैं, तो इस वजह से रोज़ एक धूल मिट्टी बहुत आती है। और दरवाज़ा ये हमारा नीचे ही है, तो दरवाजे के नीचे से धूल आती है, इस वजह से डेली यहाँ पे पानी मारते हैं 2-3 बाल्टी, जिससे साफ़ हो जाए। एक तो मिट्टी अंदर ना आए दरवाजे के नीचे से, और मतलब गंदा भी ना हो। वैसे तो हम इस साइड को कम ही आते जाते हैं, जो बड़ा गेट है उसमें ही आते हैं। बड़े गेट में हम जब साफ़ करते हैं, जब झाड़ू पोछा करते हैं ना, तभी धो देते हैं। तो इधर मैं लग गई हूँ अपने काम पे, तो यहाँ मैं लगी हूँ साफ़ सफाई करने सुबह की। और आज आंटी नहीं आई, तो आज मुझे झाड़ू पोछा करना है। तो मैंने सोचा चलो सुबह ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर नहाना धोना बाद में ही कर लूँगी, और जो पोछा लगाना वो नहाने के बाद लगता नहीं। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, अगर मुझे खुद लगाना होता है तो मैं पहले नहाने से पहले ही साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ। और ईशु जाएगी स्कूल, ईशु को जाना है 9 बजे, तो तब तक मैं कर लूँगी। गुड्डू आज नहीं जाएगी, क्योंकि गुड्डू की तो आज छुट्टी है, कल है उसका पेपर। ईशु को जाना, तो मैंने सोचा चलो पहले सुबह अपना साफ़ सफाई का काम कर लूँगी, और ईशु को फिर बाद में स्कूल भेज दूँगी, नाश्ता बाद में बना लूँगी। तो यहाँ बस मैं लगी हुई हूँ, बिस्तरे वगैरह मैंने झाड़ दिए एक कमरे के रख दिए हैं, बेडशीट झाड़ दी, और अब आ गई हूँ मैं दूसरे कमरे में। यहाँ भी ऐसे ही फल्ले पड़े, बच्चे भी उठ गए थे आज जल्दी, बल्कि सुबह जब योग वगैरह करी, ईशु ने मेरे साथ की है आज योग भी, वो सुबह ही उठ गई थी। गुड्डू भी उठ गई थी, लेकिन वो पढ़ाई कर रही थी अपना, क्योंकि उसका पेपर है। तो यहाँ बस फिर मैं दूसरे कमरे में आ गई, यहाँ भी बिस्तर वगैरह उठा दिया मैंने, और फिर बेडशीट भी झाड़ दी है, और एक कमरे की चेंज कर दी। उसमें वो गर्म वाली बेडशीट थी, और अब थोड़ी सी ना गर्मी सी होने लगी, तो गर्म बेडशीट बिछाई नहीं जाती, तो मैंने उस वाले में भी कॉटन की डाल दी। इसमें तो कई दिन पहले डाल दी थी, क्योंकि जब लेटते हैं ना तो थोड़ा गर्म सा महसूस देता है, तो इसलिए। तो बाहर वाला जो एरिया, वहाँ भी मैंने सारे में साफ़ सफाई कर दी, बेडशीट वगैरह झाड़ दी, और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और ईशु भी मेरी पूरी हेल्प कर रही है। ईशु को ना मेरे साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, बल्कि गुड्डू को नहीं इतना। गुड्डू को जो काम बता देते हैं वो कर लेती है, लेकिन ईशु बार बार बोलती रहती है हर काम में कि मम्मा मैं कर दूँ ये काम, आपके साथ मैं ये कर दूँ। तो मैं उसको लगा लेती हूँ कि ठीक है, जब उसको शौक है करने का तो कराना भी चाहिए मुझे। और आज चुन्नी वन्नी ओढ़ के पूरी फिट हो रही, मैं बोल भी रही कि बेटे यह चुन्नी क्यों ओढ़ रखी, नु कह रही मेरा मम्मा मेरा मन लग रहा है इसलिए। तो यहाँ हम उधर कमरे में, रसोई में, बाहर चौक में, सब में झाड़ू लगी। अब जिधर इन्वर्टर रखा है इधर भी मैं लगा दूंगी, और सारा थोड़ा सेट सा कर दूंगी। तो ये पाइप भी फैला पड़ा था सुबह के टाइम में, जो पाइप पानी भरते हैं ड्रम में शाम के टाइम, तो जब भी फैला देते हैं, तो ये भी मैंने लपेट के रख दिया। अब उसके बाद मैं आ गई हूँ ऑफिस में। ऑफिस में भी आज मुझे ही करनी है सफाई, क्योंकि कन्हैया गया है अपनी मीटिंग में, सुबह ही चला गया, वो आज लेट आएगा, बोल के गया था कि दोपहर के बाद आऊँगा मैं। तो यहाँ आज जब कन्हैया नहीं होता तो फिर मुझे ही करनी पड़ती है, जब वो होता है वो तो खुद ही करता है डेली साफ़ सफाई ऑफिस में, लेकिन जब वो नहीं होता फिर मेरी ड्यूटी लग जाती है यहाँ सफाई करने की। मैं इसलिए नहीं करती, एक तो देखो इनके काम के कुछ, जैसा कोई कपड़ा वगैरह हो, मुझे तो इतना पता नहीं सिलाई के बारे में, ना मुझे आती, तो मैं इसलिए नहीं करती कि कभी कोई मेरे से गिर जाए और फिर ये ढूंढते फिरे परेशान हो। तो झाड़ू वगैरह पूरे घर में लग गई है मेरी, अब मैं बस जो वाश बेसन वगैरह है वो कर दूंगी क्लीन सारी, और जो सारा ही साफ सफाई का ऐसा काम है झाड़ने वाला, वो सारा कर लूंगी। उसके बाद फिर मैंने लगाया है पोचा पूरे घर में, पहले रूम में लगा दिया, किचन में लगा दिया, अब है बारी बाहर चौक की। और काफ़ी दिन बाद मैं अपने आप लगा रही हूँ, वैसे तो आंटी ही लगाती है, डेली धो भी देती है हमें, लगा भी देती है पोचा, लेकिन आज मैं कितने ही दिन में लगा रही हूँ, और मुझे
जैसा कुछ काम नहीं करते ना, और फिर बहुत दिन बाद करते हैं तो थकन सी महसूस हो जाती है। यह भी वैसे एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सुबह ही अगर पोछा लगाओ तो योग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं पूरे घर में बस लगा दूंगी पोछा फटाफट से। अब हो गया है दोपहर का टाइम और मैं बनाऊंगी खाना। और खाने से पहले देखिए सबकी लाइन लगी बैठी है, सब मांग रहे हैं रसमलाई, और बच्चे भी स्कूल से आ गए। आते ही सुमित एकदम फरमाइश करी कि मुझे रसमलाई दे दो, और कृष्णा भी आते ही यूँ पूछ रहा, मम्मा बन गई रसमलाई? क्योंकि कल जब मैं बना रही थी ना तो ये यहीं पे ही था, जब तक बनी नहीं थी फिर चला गया था। तो यहाँ मैंने लगा दिया है सबके लिए, देखिए ये लग गई है सबकी प्लेट। तो मैं देख आती हूँ सबको और रिव्यू पूछती हूँ कि कैसी लगी सबको। ऐसा देखने तो देख आपको दिखा दूँ एक बार इनका नज़ारा, जैसा कल बनी थी तो आज भी दिखा दूँ, वरना नू लगेगा कल ऐसी थी, क्या पता वैसे ही दिखा दी हो, ऐसा लगता है। ये देखिए बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास जैसी शादी में मिलती है ना रसमलाई, और उसमें तो ड्राई फ्रूट भी कम हो गए जो शादी में मिले, या तो घर की पूरी एकदम वही देखने से बिल्कुल वही लग रही। और अब मैं देख आती हूँ सबको, लो देखो इंतजार अब खत्म हुआ है, आखिर मिली गई, इंतजार अब खत्म हुआ। अब ना कई दिन से इनका मन कर रहा होगा, तो कई दिन से बोल रहे थे कि बना ले रसमलाई बना ले, तो वही बस टाइम के हिसाब से सोच रही थी बनाऊ ना बनाऊ, वो टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन टाइम का फिर कोई वो नहीं रहता, अगर बन के मतलब अच्छी बन जा फिर वो नहीं, थकन भी नहीं महसूस होती है और अच्छा लगता है। और किचना क्या खा रहा, जब अपने चाचू और को भी दिया हो पीस में दोनों को, गुड्डू जारी देने चाचू को, और यहाँ ये खा रहे, खा के जल्दी जल्दी बताओ किसे कैसी लगी। खब्बू ऐसा आप खिला देने, चाटनी नहीं और खाते हैं। खब्बू ही होगा क्या, यो भी खब्बा तो चले इसका सज्जा चलता नहीं बेटा, ठंडी तो खाई जाए, अच्छी लगती है ठंडी। ईशु कैसी लगी रसमलाई? रूही लग रही है ऐसी जैसी बाजार की, अच्छा है रूही, तुझे भी अच्छी लगी, खा ले तू, मैं बाद में खा लूँ, खा ली रख दे। तो जी रिजल्ट अप्रूवल हो चुका है हमारा, तो नहीं खाती गुड्डू? अच्छा तुमने पहले ही मोर लिया मोर्चा, अच्छा गुड्डू ने, क्योंकि आज गुड्डू घर पे ही है स्कूल नहीं गई, उसने पहले ही मोर्चा मोर तो उसे मिल गई होगी, पहले ही खा ली उसने। और ईशु ने अब तक बोला और कृष्णा ने कि मम्मा दे दो मुझे, तो ये खा रहे, और जो रिजल्ट है वो अच्छा आया है, वैसे देखने से ही लग रहा है और खाने से तो, और भी ये भी बता रहे कि अच्छा है, तो मैं भी देख लेती हूँ खाकर। अच्छा 10 out of 10 मिल गए। कैसी बनी? ओए होए दोनों अतोश है, अरे मुंह भड़का बोला जा रहा नहीं, खा ले बस इतरा लिए, फिर है फिर इतरा लिए, पहले खा ले। क्या है ये, क्या है ये, क्या खा रहे आप? तो अब करूंगी खाने की तैयारी, और खाने में मुझे बनाने हैं काले चने और आलू। तो ये मैंने रख दिए हैं उबलने के लिए, उबल ही चुके हैं लगभग, और इधर चावल भी भिगो दिए, तो बस खाना बनाऊंगी आलू चने और चावल दोपहर का खाना। तो सब्जी के लिए मैंने रख ली है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल लिया है ऑयल सरसों का, और ये सरसों का जो ऑयल है ये हमारा घर का ही है, गांव में से लेके आए थे। तो ऑयल गरम करने के बाद फिर मैंने उसमें तड़के की मिर्च डाल ली, जीरा डाल दिया, धनिया डाल दिया जो साबुत मतलब क्रश किया हुआ, और फिर डाल दिया इसमें लहसुन प्याज। और आज मैंने ये ना तो पीसी मिक्सी में, और चॉपर मेरे पास है नहीं, वो ख़राब हो गया था तो हाथ से ही काट ली जल्दी जल्दी में, क्योंकि लेट हो गई थी आज मैं थोड़ा सा खाना बनाने में। तो यहाँ इनको हल्का ब्राउन कर लिया, उसमें थोड़ा सा डाल लिया है हींग, हींग डालने के बाद डाल लिया है हल्दी, और हल्दी अगर तड़के के अंदर ही डाल लेते हैं तो कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी में। फिर मैंने डाल लिया इसमें धनिया पाउडर, और डाल दिया है हरी मिर्च और टमाटर।
अब इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी नमक ऊपर से, जिससे टमाटर अच्छे से बॉईल हो जाए। वैसे तो जो चने और आलू मैंने रखे थे उबलने के लिए, तो उनमें भी डाल दिया था थोड़ा नमक, और थोड़ा अब डाल दिया, और डाल दिया है लाल मिर्च। लाल मिर्च वगैरह जैसा हल्दी डाल दिया है ना इसमें ग्रेवी में, तो कलर अच्छा आता है इसलिए। और इधर देखिए ये आलू मैंने चने के अंदर ही डाल दिए थे छील के, धो के अच्छे से, तो ये उबल चुके हैं। इनको मैंने चमचा मार के इसके चनों के अंदर ही फोड़ लिया। और इस तरह डालते हैं तो चने भी, मतलब आलूओं में भी कलर अच्छा आता है, वो सफ़ेद सफ़ेद से नहीं दिखते बाद में। तो वो तैयार कर लिए। इधर जो चावल का पानी वो भी पक के तैयार हो गया था। और फिर उसके बाद बस मैंने जो ये इधर ग्रेवी है टमाटर की, ये भी पक के तैयार होगी। और इसमें छोड़ दिए हैं चने, और चने मुझे थोड़े से खड़े से लग रहे थे, और कढ़ाई में लगता है थोड़ा अगर पकाते हैं तो टाइम ज़्यादा है, तो मैंने वापस फिर इनको कुकर में ही डाल दिया, इसलिए कि ये इसमें जल्दी बन जाएंगे। एक दो सीटी लगवा दूँगी और अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और ऐसे ही मैं ज़्यादातर चने की या राजमे की सब्जी ऐसा होती है ना, तो वो इसी तरीके से मतलब कुकर में डाल के कर लेती हूँ, जिससे बहुत अच्छी है, गाढ़ी सी बन जाती है एक दो सीटी लगवा के। तो यहाँ देखिए सब्जी रख दी मैंने कुकर में, और फिर चावल भी हो गए थे जब तक सब्जी तैयार करी, तो चावल भी फिर मैंने निचोड़ दिए हैं। रोटी बनाने लगी हूँ मैं। रोटी चावल जब बनाती हूँ तो ज़्यादा नहीं बनती, एक एक आध एक या दो रोटी लेते हैं सब, तो 7-8 रोटी बनानी होती है। तो यहाँ मैं लगी हुई हूँ बनाने में रोटी फटाफट से। रोटी बनाने के बाद अब दही रखी थी जो जमाई हुई, कुछ कल की बच रही थी कुछ आज की, तो मैं उसकी बना लूँगी लस्सी। खट्टी तो नहीं हो रही थी, वो मैंने फ्रिज में रखी थी कल वाली भी, और आज वाली भी थोड़ी बच रही थी, तो यहाँ लस्सी बना लूँगी। क्योंकि जो ऐसी सब्जी होती है आलू चने की वगैरह ऐसी राजमे की, तो लस्सी अच्छी लगती है चावलों के साथ जब पीते हैं, और पेट भर जाता है अच्छे से। तो मैंने वो फेंट ली अच्छे से, उसमें पानी डाल लिया, और बन गई है लस्सी। तो जी खाना बन गया, हो गया है तैयार। ये सब्जी है देखिए, देखिए बहुत अच्छी बन रही, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही। और ये बन गया चावल, और लस्सी बन गई, ये रखी, और बना दी मैंने रोटी। तो फटाफट से लगा के दे देती हूँ सबको, क्योंकि आज मैं होगी लेट, 2 बज गए पूरे, वरना तो 2 बजे तक तो मेरा काम किचन का खत्म हो जाता है ज़्यादातर, लेकिन आज थोड़ी सी लेट होगी, कपड़े वगैरह धोने में लग गई थी, देर होगी इस वजह से। तो चलो कोई नहीं, कभी कभी तो हो जाता है। तो मैं फटाफट से लगा के दे देती हूँ सबको खाना। तो यहाँ फटाफट से बस लगा देते हैं खाना, तैयार तो हो गया सारी चीज़, अब बस लगा दूंगी लस्सी भी, सब्जी भी, और चावल वगैरह जो भी है सारा फटाफट से लगा के तैयार कर दूंगी। थाली देखिए मेरी हो गई है सारी तैयार, और पांच ही थाली लगाती हूँ मैं, क्योंकि 5 ही सदस्य हैं, दोनों बच्चे, मैं, गुड्डू के पापा और कन्हैया। तो 5 थाली मैंने लगा के कर ली है तैयार, और यहाँ देखे बैठ गए हैं सब खाने के लिए। आ जाइए आप भी, बहुत अच्छी बनी है सब्जी, टेस्टी बनी है, सब बोल रहे हैं कि सब्जी बहुत अच्छी हो रही। तो यहाँ चने की सब्जी, चावल, लस्सी और रोटी, सबका स्वाद चल रहा। तो फटाफट आ जाओ आप भी सब खाने के लिए।
खाना हमारा हो गया है और जो किचन की क्लीनिंग है, बर्तन वगैरह, वो सारे मैंने कर दी है। ये देखिए चारों तरफ से बिल्कुल। और बस अब 3 ही बज गए, 3 बजने वाले, 10 मिनट रहेगी। और मेरे कपड़े पड़े हैं ऊपर छत पे, मैं लाऊंगी उतार कर। थक गई आज मैं बहुत ज़्यादा थक रही है और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ढीली हो रही है। सर्वाइकल की जो दिक्कत है, गर्दन में दर्द हो रहा है यहाँ बहुत ज़्यादा, 3-4 दिन से ज़्यादा हो रहा। लेकिन दवाई भी ले गई, कोई दवाई ले लूँ तो थोड़ा आराम सा मिल जाए, वरना फिर ऐसा ही। और थकन थकन सी महसूस दे रही बहुत। तो खैर जी, ये तो चलता ही रहता है लाइफ में, कभी दुख कभी सुख, करना भी काम भी करना ही पड़ता है सारा। तो खैर, वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।